में जो फिल्म चाहिए हर इंसान को वो सभी ये फिल्म है। और इस फिल्म की पूरी टीम राजू भारती जी प्रोड्यूसर है, हमारे प्राजक्ता शिंदे एंड भाई आवाज है, शक्तिवीर धीराल एक्टर भी है और राइटर भी है इस फिल्म के, और मैं इस फिल्म में एक्टर भी हूँ और डायरेक्टर भी हूँ। अभी आप जो भी पूछो सवाल करें आप प्लीज। मेन थॉट क्या है, पिक्चर की थॉट क्या है? फिल्म का थॉट है हॉरर और फुल्ली एंटरटेनमेंट पब्लिक को दिया जाए। एक आम इंसान जिंदगी भर काम करते रहता, सभी करते रहता, दिन भर में 3 घंटे के लिए थिएटर जाए तो वो पूरी तरीके से मनोरंजन होके निकले ना बाहर, यही फिल्म का मेन किरदार है। इस फिल्म में VFX एनिमेशन बहुत अच्छा है जो सभी को पसंद आएगा। शूट हुआ है सर महाराष्ट्र में, साउथ में हुआ है। आप इस पिक्चर को नाम क्यों ऐसे हैं? बीरा एक अगोरी। हाँ, बीरा का मीनिंग होता है समय, सभी को पता होगा। तो हमारे फिल्म में ऐसा कुछ है कि वो समय को दर्शाता है, और फिल्म देखने के बाद में बातें सभी को समझ में आएगा कि बीरा टाइटल क्यों रखा है। दर्शकों को ज्यादा पसंद आए इसके लिए क्या खास वजह? फिल्म में दर्शकों को पसंद आएगा उसकी बारीकी यहाँ से हमने हिफाजत की है पूरे फिल्म में। भले चाहे हम नॉन आर्टिस्ट नहीं है, हम नए हैं, तो हमारे सामने बहुत बड़ा एक टास्क था कि हम कैसे प्रेजेंट हैं, क्योंकि आजकल सभी लोग देखते हैं कि यार सलमान की फिल्म आएगी, शाहरुख की फिल्म आएगी तो तभी हम देखने जाएंगे, पर हमारे सामने इतना बड़ा चैलेंज था कि हमें कोई पहचानता नहीं, हमारी पहली फिल्म है, तो हमें पूरा जोर एडी चोटी का जोर जो बोलते हैं ना कि पूरा पेस में पूरा फिल्म में देना था, तो हमने पूरी तरीके से एक अच्छी एंटरटेनमेंट फिल्म बनाई है। सर जो आजकल सिनेमा घरों के अलावे कहाँ कहाँ वो तो सिनेमा थिएटर उतरने के बाद ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आएगी या टेलीविजन पे आएगी। फिल्म में ऐसा कौन सा सीन रहा जो काफी चुनौतीपूर्ण रहा शूट करके? एक्चुअली ये हॉरर फिल्म को शूट करने के लिए इतनी दिक्कत जाती है वो सभी को पता है, क्योंकि रोमांटिक फिल्म या एक्शन फिल्म में बहुत हल्का पुलका भी कर लिया तो चले जाएगा, पर हॉरर फिल्म में टेक्निकली बहुत मजबूत रहना पड़ता है, और पिक्चराइजेशन के लिए भी और एक्टिंग वाइज भी बहुत ज्यादा हार्ड और बहुत टफ होता है उसको शूट करने। सर मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि हॉरर फिल्म में जब भी लोग बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी वेरिएशन मसाले देते हैं, कभी कॉमेडी भी देते हैं, कभी वो एक्शन सीन भी रहती है, तो आपने जो बनाया है क्या क्या बेस रखा है? क्योंकि बिहार के जो ऑडियंस है वो जब थिएटर पहुंचते हैं तो उनको शोर शराबा चाहिए, मस्ती चाहिए, इंटरटेनमेंट, मतलब एक फिल्म के अंदर वो सारी चीजें 2.5 घंटे के अंदर देखना चाहते हैं, तो आपने क्या रखा है? एक्चुअली कैसा है ना कि हमारा एक उद्देश्य था कि इस फिल्म को एक आम इंसान पसंद करे, क्योंकि हमारी पहली फिल्म है हिंदी और वर्ल्ड वाइज रिलीज होगी, तो हमें पूरे तरीके से इसको एक अच्छा कंटेंट बना था, एक अच्छा फिल्म बना के आपके सामने प्रेजेंट करना था, तो हमारे पूरे टीम को इतना तकलीफ हुआ है इस फिल्म को बनाने के लिए, और मैं यही चाहूंगा कि हमें देख के फिल्म देख लेना है, हमारे फिल्म का ट्रेलर देखे, हमारे फिल्म का सॉन्ग्स देखे, जो नकाशा जी आज शाहरुख खान सलमान खान के लिए गाते हैं वो हमारे लिए गाए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वैशाली वाड़ी जी ने गाया है, शायद माल्या जी ने गाया है, तो ये इस फिल्म को देखने के पहले सॉन्ग्स देखे, ट्रेलर देखे, उसके बाद इस फिल्म को देखने जाए हमारे तरफ से। पहले तो हिंदी में रिलीज हो रही है और सबटाइटल के हिसाब से बाहर लगेगी, अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा और ऑब्वियसली अच्छा रहेगा तो हम आगे भी करेंगे। एक सवाल और, कोरोना के जब कोरोना आया था तो सिनेमा घर के पास ऑडियंस बहुत कम जा रहे थे, ओटीटी के प्रति ज्यादा रुझान होता था, क्या सोच के आप सिनेमा घरों के प्रति ज्यादा आपको